जंगल में भालू अपने दोस्त बंदर और बास के साथ रहता था। एक दुर्घटना में भालू अपने माता पिता से उस जंगल में बिछड़ गया था। उस दिन से भालू बंदर और बास दोस्त बनकर रहने लगा। एक सुबह जब सूर्य की किरणें उस गुफा में भगी, भालू ने उठकर भगवान हनुमान का नमस्कार किया। तब तक भालू के दोस्त बंदर और बाज जागे थे और उन्होंने भालू को सुप्रभात कहा। धोकर तीनों नजदीक के पेड़ों से फल लेके आए। इस बीच गुरुजी आते हैं। बालू ने हनुमान जी को चढ़ाए हुए फल गुरुजी को दिया। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उन तीनों को फल और सब्जियां दी। गुरुजी भालू को 2 सालों से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए गुरुजी के पढ़ाए हुए पाठ उसकी समझ में आता था। बंदर और बाज गुरुजी के बताए हुए भाषा और पाठ समझने के बावजूद बात नहीं कर सकते। दिमाग की शक्ति शारीरिक शक्ति से बढ़कर है और इंसानों को इन्हीं शक्तियों से महान काम करना चाहिए। पढ़ाई के बाद भालू और उनके दोस्तों ने गुरुजी को भेजा। सुनाई दी। तीनों एक पेड़ पर चढ़कर पता लगाने की कोशिश करने लगे कि ये आवाजें कहां से आ रहे हैं। दूर कुछ आदिवासी लोग ढोल बजाकर घोषित कर रहे हैं कि एक गेंडा आदमियों को परेशान कर रहा है और जो कोई उस गेंडे को मारता है उसको पुरस्कार मिलेगा। भालू और उसके दोस्तों ने उस गेंडे को मारने का फैसला लिया। भालू उन आदिवासियों के प्रधान के पास जाकर नमस्कार करता है। गेंडा कहाँ मिलेगा? मैं उसे मारूंगा। वहाँ के सभी लोग भालू की बात सुनकर हंसने लगे कि एक छोटा सा लड़का उस गेंडे को क्या मारेगा। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उस जानवर को मारूंगा। उस बच्चे की हिम्मत को देखकर वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए। हम तुम्हारे जान की उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। यही वो जगह है जहाँ मैं निर्णय लेकर दोषी को सजा देता हूँ। रात को एक गेंडा आकर लोगों पर हमला करेगा।
अगर यहाँ कोई नहीं है तो गेंडा गांव में आ जाए। उसने बहुत सारे मौसम लोगों को मारा। आदिवासियों के प्रधान ने बालू को सब कुछ समझाया। महोदय, मुझे आपका सहायता चाहिए। अपने लोगों की सहायता से प्रधान ने उन सबकी व्यवस्था की जैसे बालू ने बताया था। कुछ लोगों ने एक गड्ढा खोदा और उस पर एक चटाई बिछाई। कुछ लोगों ने पत्थर में भाला फूंका और उस पर चादर खोदा। चेतावनी दे रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है। वो गेंडा तुम्हें मार देगा। अभी सब लोग गांव चले जाओ या पेड़ पर चढ़ जाओ। सभी पेड़ पर चढ़कर देखने लगे। बालू ने उस गैंडे की सींग को जमीन पर कसकर दबाया। गैंडा गुस्से से अपने सिर को जमीन पर मारा। उससे जमीन पर चिंगारियां आने लगी। गैंडा उस आग में जल गया। वह राख दानों में बदल गया। बालू पर हमला किया। दानव बालू के पीछे भागा। एक जगह आकर दानव चटाई पर चढ़े जिसे लोगों ने गड्ढे पर बिछाया। दानव उस गड्ढे में गिर गया। बालू ने कुल्हाड़ी से उसका सींग काट दिया। आखिरकार गैंडा मर गया।
क्योंकि उसकी जान सींग में था। पेड़ पर से सभी लोग उतर कर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। अगले दिन प्रधान ने बालू को सम्मानित किया। सज्जनों, दानव अपने अस्तित्व बदल के दूसरे रूप में इधर उधर घूम रहे हैं। गड्ढे के बारे में सुनकर मुझे लगा ये जरूर कोई दानव है, इसीलिए मैं प्रधान की मदद से उसे मारने का निर्णय लिया। अभी आप सुरक्षित हैं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। वैसे बालू बच्चा ही है, लेकिन उसका दिल बड़ों जैसा है, पैसा वापस ले। गांव वालों ने बालू की प्रसन्नता की और पैसे वापस कर दिए। बालू उनको धन्यवाद बोलकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा।